जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असम न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें, क्या बीजेपी एक बार फिर से सर्वानंद सोनोवाल की सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस और AIUDF मिलकर सरकार में बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में महा एग्जिट पोल बताया जाएगा किसका होगा राज तिलक, एक एक करके जानकारी जान लीजिए। इससे पहले आप असम न्यूज पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बक्सा की तीन विधानसभा सीटें हैं। तीन सीटों में से यहां पर बीजेपी खाते में दो सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में एक, AIUDF के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहां पर जीरो सीट। असम की तीन विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में दो, कांग्रेस पार्टी खाते में एक, AIUDF के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहां पर जीरो सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं बारपेटा की छह विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार यहाँ पर छह सीटों में से बीजेपी खाते में तीन, कांग्रेस पार्टी खाते में एक, AIUDF के खाते में एक और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की नौ विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में पांच तो कांग्रेस पार्टी खाते में दो सीट, AIUDF के खाते में एक सीट और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं विश्वनाथ की तीन विधानसभा सीटों एग्जिट पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी तीन की तीन सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी खाते में जीरो, AIUDF के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो सीट है। यहाँ पर विश्वनाथ की तीन विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, असम की 12 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में आठ तो कांग्रेस पार्टी खाते में दो, AIUDF के खाते में एक और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बोगई गांव की तीन विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बोगई गांव की तीन विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में दो, कांग्रेस पार्टी खाते में एक, AIUDF के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो सीट। असम की 15 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 10 तो कांग्रेस पार्टी खाते में तीन, AIUDF के खाते में एक और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कचार की सात विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल की तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में चार सीटें तो कांग्रेस पार्टी खाते में तीन सीटें, AIUDF के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी चार सीटें मिलती नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी खाते में भी तीन सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की यहाँ पर 22 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल जनता की राय सामने आ चुके हैं। बीजेपी खाते में 14 तो कांग्रेस पार्टी खाते में छह, AIUDF के खाते में एक और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं चराईदेव की दो विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर दोनों ही सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो सीट, AIUDF के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो सीट। असम की 24 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, असम की 126 सीटों में से 24 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 16 तो कांग्रेस पार्टी खाते में छह, AIUDF के खाते में एक और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं चरांग की दो विधानसभा सीटें हैं। दोनों सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में एक सीट तो कांग्रेस पार्टी खाते में एक सीट, AIUDF के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो सीट। असम की 26 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और बाकी की 100 सीटों का एग्जिट पोल अभी बनना बाकी है। बीजेपी खाते में 17 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 7, AIUDF के खाते में एक और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दरांग की चार विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, दरांग की चार विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में तीन सीटें तो कांग्रेस पार्टी खाते में एक सीट, AIUDF के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो सीट। असम की 30 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 126 सीटों में से 30 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर बीजेपी खाते में 120 सीटें जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 8, AIUDF के खाते में एक और अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं धेमाजी की दो विधानसभा सीटें हैं। दो सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में एक तो कांग्रेस पार्टी खाते में एक सीट, AIUDF के खाते में जीरो और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर जीरो सीट। असम की 32 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 21 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 9, AIUDF के खाते में एक और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लीड करेगी, किस पार्टी खाते में सबसे ज्यादा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं धुबरी की। धुबरी के पांच विधानसभा सीटें
है 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की 37 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। जनता की राय के अनुसार यहाँ पर बीजेपी के खाते में 24 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 10, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 44 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी के खाते में यहाँ पर जनता की राय के अनुसार 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं डीमा ओसाव की 1 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 45 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 126 सीटों में से 45 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 30 सीट है तो कांग्रेस पार्टी खाते में 12, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं गोलपाड़ा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और AIUDF के खाते में 1, 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 49 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 126 सीटों में से 49 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 3 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी खाते में 13 सीट, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं गोलाघाट की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 53 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 35 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं हेलाकांडी की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 2 सीट तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIUDF खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 56 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 37 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 15, AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं हो जाएगी 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 59 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 126 सीटों में से 59 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 39 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 16 सीटों पर, AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं जोरहाट की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 64 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 42 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 18, AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कामरूप महानगर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। AIUDF और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। असम की 68 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी को यहाँ पर 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 सीटें, AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कामरूप की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 74 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 46 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 22, AIUDF के खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कार्बी आंगलोंग की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 77 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 38 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 23 सीटें, AIUDF के खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं करीमगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 3, AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 82 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 48 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 26, AIUDF के खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं कोकराझार की 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 85 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 126 विधानसभा सीटों में से 85 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 50 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 27 सीटें, AIUDF के खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं लखीमपुर की 4 विधानसभा सीटों की। जी हां दोस्तों, लखीमपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 89 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है।
बीजेपी खाते में 52 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 28 सीट, AIUDF के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं माजुली की। माजुली की एक विधानसभा सीट है, एक ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। असम की 90 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 53 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 28, AIUDF के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं मोरीगांव की। मोरीगांव की 3 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। असम की 93 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 55 सीट तो कांग्रेस पार्टी खाते में 29, AIUDF के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं नयगांव की। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। असम की 101 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 61 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 31 सीट, AIUDF के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं नलबाड़ी की। 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। असम की 104 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 63 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 32, AIUDF के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं शिवसागर की। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 108 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है और यहाँ पर 65 सीटों पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी खाते में 34 सीट, AIUDF के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं सोनीतपुर की। सोनीतपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। असम की 113 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 69 सीटों पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी खाते में 35, AIUDF के खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं दक्षिण सलमरा की। 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और AIUDF के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम की 115 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 69 सीटों पर बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 36 सीटों पर, AIUDF के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करता है तिनसुकिया की। तिनसुकिया की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 5 सीटें तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 121 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 74 तो कांग्रेस पार्टी खाते में 37, AIUDF के खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उदलगुड़ी की। उदलगुड़ी की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 123 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 126 सीटों में से बीजेपी खाते में 76 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 37 सीटें, AIUDF के खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की। 3 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी खाते में 2 सीट तो कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 126 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। 126 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 78 सीटें तो कांग्रेस पार्टी खाते में 38 सीटें, AIUDF के खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 सीट। जी हाँ दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर एक बार फिर से सर्वानंद सोनोवाल की सरकार बनी रह सकती है और तो कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी AIUDF यहाँ पर 3rd नंबर पर और अन्य पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है असम में इस बार किसकी बनेगी सरकार, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ चेक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोड़ सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।